हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LTN लेट्स टॉक नर्सिंग में। जिन्होंने MPCHO का फॉर्म भरा है उनके लिए यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि MPCHO में फॉर्म भरने वाले जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उन सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। MPCHO में दो प्रकार की वैकेंसी निकली थी, एक CCH वालों की और एक जिनके पास CCH है पहले से उनके लिए। उन दोनों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जैसे कि हम सीधा आप साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाकर अपना SAMS यानी कि सम्स डालकर सर्च करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक इंटरफेस आता है, उसको हम क्लिक करेंगे SAMS पर। इस पे क्लिक करने के बाद जो मेन इंटरफेस खुलता है, जिसमें आप अपना जो MPCHO की वैकेंसी निकली थी उनको आप सर्च करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है, ये वाली देखिए, MPCHO के लिए जो वैकेंसी निकली थी वो ये नोटिस है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दूसरा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद जस्ट इसको स्लाइड करेंगे थोड़ा सा नीचे। इसके नीचे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न टेस्ट। आप यहां से सीधा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो इंटरफेस खुल चुका है, इसमें एप्लीकेशन आईडी और नीचे डेट ऑफ बर्थ मांगा है। एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड निकल कर आ जाएगा। इसके साथ साथ आप सभी लोगों के पास एक मैसेज भी आ रहा होगा, जिसमें आपसे जो आपने फॉर्म भरा है MPCHO का, उससे रिलेटेड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक मैसेज आ रहा है, जिसमें एप्लीकेशन आईडी और आपका रोल नंबर दिया गया है और एग्ज़ाम डेट दी गई है और उसके साथ साथ एक लिंक दी गई है। आप अपना एडमिट कार्ड सीधा साइट पे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपके पास मैसेज आ रहा है जिसमें नीचे लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर सीधा क्लिक कर कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मैसेज आया है और जैसे कि नीचे इसमें लिंक दी गई है, इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। जैसे कि लिंक खुल चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर डालकर और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना एडमिट कार्ड सबमिट बटन पर क्लिक कर कर इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड निकल कर आ जाएगा और उसके बाद आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।